जय श्री स्वामीनारायण। कैसे हो बच्चों? आई होप ठीक ही होगे। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक है ना? चलो, हमने पिछले वीडियो में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसका हाफ पार्ट आधा है वो हमने किया था और आधा बाकी था। तो आधा जो है वो मैं आज पहले याद दिलाऊंगी और फिर बाकी का हम स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड चैप्टर का नाम था कोई किसी से कम नहीं। इस चैप्टर में पेड़ है वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सबसे पहले आम का पेड़ है वो इतरा रहा था कि मेरे आम कितने अच्छे, और केले को बोल रहा था तेरा इतना सारा उपयोग नहीं है। तो फिर केला है वो भी अपने उपयोग बताता है, तो उस बीच नारियल भी आता है, फिर नारियल भी अपना उपयोग बताता है। तो इस तरह से सब अपना अपना उपयोग बताते हैं और बोलते हैं कि मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। इस तरह से सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। तो अब नारियल का पेड़ वो अपना सब कुछ बोल रहा था, उसके बाद बोल लिया, उसके बाद क्या होता है तो आम की ओर देखकर दूर से ही नीम बोला। आपको किसकी बारी आती है? नीम की। नीम का पेड़ देखा है ना आपने, वो नीम बोला, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नीम की इस बात ने आम का गुस्सा भड़का दिया। अब उसने एक कहावत बोली कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मतलब ये कहावत है, बंदर है उसको अदरक के स्वाद की पता नहीं चलता है। तो ये नीम ने जब आम को बोला तो आम का गुस्सा भड़क गया, कि वो गुस्सा हुआ कि ऐसे क्यों मुझे बोल रहा है। आम गुस्से से बोला, तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए कड़वे नीम? इस तरह से आम गुस्से होकर उसको बोला, बीच में क्यों बोल रहा है कड़वे नीम, मतलब हमें सबको पता है कि नीम है वो कैसा होता है, कड़वा होता है। अब क्या होगा? तो नीम भी अपना उपयोग बताएगा। तो उसने स्टार्ट किया, मैं कड़वा हूँ तभी तो बीमारियाँ दूर करता हूँ। मतलब सबको पता है कि नीम कड़वा होता है, पर बीमारियाँ दूर करने में नीम का बहुत काम आता है। इतना ही नहीं, मेरी पत्तियाँ ही दरवाजे पर लटका दो तो बीमारियाँ पास नहीं आती है। मेरी निवोरी का तो स्वाद ही अनोखा है। हम सबको पता है कि वो चिकन पॉक्स जैसी बीमारी आती है ना, तो उसमें नीम के पेड़ के पत्ते हैं ना, वो ही ज़्यादातर काम आते हैं। तो उसे दरवाजे पे भी लटकाया जाता है, और निवोरी का स्वाद है वो भी अनोखा होता है। मेरी टहनियों से बनी दातुन दांतों को स्वस्थ रखती है। सबको पता है नीम का दातुन है वो ज़्यादातर करते हैं जिससे दांत है वो अच्छे रहते हैं। मेरी पत्तियाँ कपड़ों और अनाज में रखने से उनमें कीड़ा नहीं लगता है। अब नीम के पत्ते कपड़े में और अनाज में रखते ना, तो उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। छाया देखो कितनी घनी है, ये तो सबको पता है, नीम के पेड़ की छाया बहुत घनी होती है और उसके नीचे बैठने से कितना आनंद होता है। मेरे आसपास की हवा तो बिल्कुल शुद्ध होती है। मेरी तो छाल से दवाइयाँ भी बनती है, तो उसका उपयोग है नीम का, वो एक एक करके बताते रहते। तो उसके नीम का पेड़ होता है ना, तो उसके आसपास हवा शुद्ध रहती है और उसकी छाल होती है, उससे दवाइयाँ भी बनती है। लेकिन मैं तुम्हारी तरह इतराता नहीं, मतलब नीम ने बोला आम को कि मैं तुम्हारी तरह नहीं इतराता, इतना सारा उपयोग है तो भी इतराता नहीं हूँ मैं। उनके बीच हो रही बहस में जामुन पपीता और अन्य पेड़ भी कूद पड़े। दूसरे पेड़ भी आने लगे कि हमारे भी उपयोग है, हमारे भी उपयोग है। हम सभी अन्य पेड़ दूसरे पेड़ भी आके बोलने लगे। बरगद दादा एक सन्यासी की तरह सीधे बैठ सबकी बहस को ध्यान से सुन रहे थे। उनकी जड़ें शाखाओं से निकलकर हवा में ऐसे लटक रही थी जैसे उनकी दाढ़ी हो। अब यहाँ पे बरगद का पेड़ आता है, और बरगद का पेड़ है वो आपने निबंध भी लिखा है, तो निबंध लिखा है इसलिए आपको पता होगा बरगद का पेड़ कैसे होता है। उसकी जो जड़ें होती है ना, शाखाएं, वो शाखाओं से निकल कर ऐसे लटकती रहती है जैसे उसकी दाढ़ी लटक रही है, ऐसा लगता है। इस तरह से वो सब देख रहा था बरगद का पेड़। अब उनसे रहा न गया, ये सब देख रहा था उनसे न रह गया, तब वो बोल उठे, क्या बात है बच्चों, इतनी गर्मा गर्मी क्यों हो रही है? सब झगड़ रहे थे ना, इसलिए बोला कि गर्मा गर्मी क्यों हो रही है। दादा इसे देखो कैसे इतरा रहा है, कोई पास आता है तो तुरंत झटक देता है,
जामुन ने कहा। अब सबसे पहले किसने बोला? जामुन ने। इसे देखो, अब किसे देखने को बोल रहा होगा? आम के पेड़ को। कोई भी उसके पास आता है तो सबको झटक लेता है। इसमें इतराने की क्या बात है, आजकल सभी और मेरा ही बोलबाला है। अब कौन बोला होगा? आम का पेड़ बोला होगा। गर्मियों का मौसम था इसलिए अभी आम चलते हैं ना, तो वो सबको पता है कि अभी आम की सीज़न है तो ज़्यादातर आम ही खाए जाते हैं। फिर बोला, देखो मुझ पर लगे आम देखकर ही दिल ललचा जाता है। अब आम ने बोला कि मेरे आम है उसको देखकर ही दिल ललचा जाता है, मिठास तो सूंघने से ही पता चल जाती है। अब वो अपने बारे में और भी बताता है कि सूंघने से ही पता चल जाता है कि मीठा कितना हो। चूस चूस कर खाओ, कच्चा खाओ या पक्का, मज़ा आ जाता है। सूखा कर आचार बनाए जाते हैं, चटनी और मुरब्बे बनते हैं, और तो और मेरी गुठलियाँ भी काम की है। कभी सुना नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम। अब आम ये सब बोला, अपना सब उपयोग बताया, और आचार बनाते हैं, चटनी बनाते, मुरब्बा बनाते, और इसमें एक मुहावरा आया, आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब दोहरा लाभ, दो तरह से लाभ होता है, आम भी खाया जाता है और उसकी गुठलियाँ है वो भी काम आती है। गुठलियाँ है उसकी दवाइयाँ बनाई जाती है, तो सेहत के लिए भी अच्छा है, आम भी खाओ और उसकी गुठलियाँ भी काम आती है। मतलब दो तरह से उसका उपयोग होता है, गुठलियाँ फेंकनी नहीं पड़ती है और उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, अब पपीता बोला, तुम अपने मुंह मियाँ मिठू न बनो, हम भी किसी से कम नहीं है। अब यहाँ दूसरा मुहावरा आया, अपने मुँह मियाँ मिठू बनना, मतलब अपनी प्रशंसा आप अपने आप करना, मतलब खुद आम है खुद की प्रशंसा करता था, तो इसलिए पपीता बोला कि तुम अपनी खुद की प्रशंसा ना करो, हम भी कम नहीं है। बरगद दादा आप सबसे बड़े हो, आप सबके बारे में अच्छी तरह जानते हो। अब बरगद का पेड़ है ना सबसे बड़ा कहलाता है, तो वो बोलते सबको बोलते हैं कि बरगद दादा आप सबको अच्छी तरह से जानते भी हो और आप बड़े भी हो, आप ही बताइए क्या आम का ऐसा करना उचित है। अब बरगद का पेड़ क्या कहता है, तो बरगद के पेड़ ने अपनी छाया में रह रहे जीव जंतुओं को प्यार से सहलाते हुए अपनी लंबी डाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आम से कहा। बरगद दादा क्या करते हैं, आसपास जीव है उसके ऊपर डाढ़ी से हाथ फेर कर आम से कहता है, बेटा ये सब सही कह रहे हैं, सब में अलग अलग गुण है। अब बरगद है वो आम को समझाता है कि सब में अलग अलग गुण है, जहाँ नीम का उपयोग होता है वहाँ तुम काम नहीं आ सकते। अब नीम का उपयोग हो वहाँ पे आम को हम रखे तो वो कैसे काम आएगा। कुदरत ने कोई ऐसा पेड़ नहीं बनाया जिसका उपयोग ना हो, सभी उपयोगी है, इसीलिए मिलकर रहो, इसी में बाग की शोभा है। वो सब समझाता है कि सबको मिलकर रहना चाहिए, सबका उपयोग है, कुदरत ने ऐसा कोई पेड़ नहीं बनाया जिसका बिल्कुल उपयोग ना हो, और सब मिलकर रहोगे तो बाग की शोभा भी बढ़ेगी। आम बोला, दादा आप ठीक कहते हैं, अब गलती हो गई, फिर कभी ऐसा नहीं कहूँगा। मतलब आम को समझ में आ गया कि उसने भूल की थी, इसलिए उसने गलती है अपनी मानी और बोला कि मैं अब ऐसा करूँगा नहीं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब होमवर्क का टर्न है, तो आज होमवर्क में प्रश्न के उत्तर है वो आपको मैं समझाऊंगी और फ़ोटो भी भेजूंगी, वो आपको HW सेक्शन में पीछे के पार्ट में लिखना है, इंडेक्स में आज की डेट लगा के ऊपर हेडिंग डालना प्रश्नों के उत्तर। ठीक है, तो प्रश्न के उत्तर स्टार्ट करते हैं। पहला है, आम का पेड़ क्यों खुश था? तो इसका आंसर आएगा, आम का पेड़ खुश था क्योंकि वह मंजरियों से भरा हुआ था और उसकी डाली में कोयल कुक रही थी, जिससे सारा वातावरण गुंजायमान हो रहा था। अब दूसरा प्रश्न है, आम का पेड़ नारियल के पेड़ से तुनक कर क्यों बोला? इसका आंसर आएगा, नारियल का पेड़ केले के पेड़ की हिमायत ले रहा था
इसीलिए आम का पेड़ नारियल के पेड़ से तुनक कर बोला। अब उसके बाद तीसरा है, आम के पेड़ ने नारियल के पेड़ को क्या कहा? तो इसका आंसर आएगा, आम के पेड़ ने नारियल के पेड़ को कहा, अपने आप को देखो, कितने लंबे और पतले हो, ऊपर थोड़ी सी पत्तियाँ, लगता है बड़ी सी डंडी वाला छाता हो। और अब लास्ट क्वेश्चन है, नारियल के पेड़ के क्या क्या लाभ होते हैं? इसका आंसर आएगा, नारियल के पानी पीने से शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं होती। नारियल की घड़ी खाने में स्वादिष्ट होती है। नारियल के खोपरे से तेल बना सकते हैं। इसके मजबूत रेशों से चटाइयाँ, रस्सियाँ, दरियाँ तथा पायदान बनते हैं। अब इस तरह से आपका ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। ये होमवर्क आपको पीछे के सेक्शन में लिखना है, ठीक है।